सड़क दुर्घटना को काबू करने के लिए केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून का पूरे देश भर में ट्रक और बस ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। ग्वालियर में भी इसका असर देखने को मिला। ग्वालियर झांसी हाईवे बिलौआ थाना इलाके के सिकरौदा में सैकड़ों की संख्या में ट्रक चालकों ने हाईवे पर चक्का जाम किया। पुलिस को चक्का जाम खुलवाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आम नागरिकों को परेशान करने और नेशनल हाईवे को जाम करने के आरोप में पुलिस ने 4 ट्रक चालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि ट्रक चालकों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर आम नागरिकों को परेशानियों में डाला है। इस कारण ट्रक चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बिलौआ सिकरौदा चौराहे पे कल कुछ ट्रक चालकों द्वारा जो है वहाँ पर चक्का जाम किया गया था। चालकों का और ट्रक ऑपरेटरों का और संचालकों का ये मानना है कि अभी जो नया IPC में संशोधन हुआ है उसमें जो एक्सीडेंट हिट एंड रन के मामले में अगर चालक जो है टक्कर मार के गाड़ी दे के भाग जाता है या गाड़ी छोड़ के भाग जाता है तो उसमें 10 साल तक की सज़ा है, और यदि वो जो घायल है उनको प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराता है या संबंधित आपात के थाने में उनकी सूचना देता है तो उसमें सज़ा का प्रावधान कम रखा गया है। तो उसको उस मामले को लेकर लोगों ने गलत धारणा बनाकर और जो है चक्का जाम करने का प्रयास किया जिससे आम आदमी परेशान हो, और चूँकि शासन केंद्रीय सरकार द्वारा जो संशोधन किया गया है वो इस उद्देश्य से किया गया कि एक आम आदमी को जो घायल इंजर्ड है एक्सीडेंट में उसको राहत मिल सके और उसकी जान बचाई जाए।